अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इसके साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट हैं, सैयद नईर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त का, आपसे गुफ्तगू करेंगे। मुस्लिम लीग नून में जो हालिया हालात हैं इस वक्त, क्या उनको देखते हुए ये लग रहा है कि जो जानशीनी की जंग है वो हतमी मराहिल में है, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। लेकिन मोस्टली आज हम जिक्र करेंगे जो सिंध और पीटीआई के दरमियान, जो वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के दरमियान एक महाजर आई है, फिर आमने सामने हैं इसको लेकर। और अब जो पीटीआई कह रही है कि कश्मीर के बाद फोकस करेंगे सिंध को, किस बलबूते पर वो सिंध में कदम जमा सकती है, ये जमाना चाह रही है, इस पर भी बात करेंगे। इरशाद साहब, ये जो वर्किंग रिलेशन है वफाक और सिंध के दरमियान, आप समझते हैं ये हमवार है? और ये जो बाकी का साइड म्यूज़िक है जो बज रहा है, दूसरी जानिब से अगर हम देखें वफाकी वज़ीर जो हैं वो भी बयान देते हैं, सूबाई वज़ीरों की जानिब से भी बयान आते हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत अपने गरिबा में जाके, ये सब सियासी है? देखें, दो फोरम ऐसे हैं वफाक और सूबे के दरमियान, जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान भी एक वर्किंग रिलेशनशिप को मज़बूत करते हैं। एक तो एनसीओसी है जहाँ वज़ीर आला की नुमाइंदगी है, चीफ सेक्रेटरी की नुमाइंदगी है, और वफाकी वज़ीर हैं असद उमर साहब हैं, और दूसरे लोग हैं वो शरीक हैं। और दूसरा जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है वो भी एक ऐसा फोरम है जिसमें वफाक और सूबे और अमलन वो दो जमातों का भी एक इत्तेफाक राय हो जाता है, या उनके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप जो है मजबूत होती है। लेकिन बदकिस्मती से वो अभी तक हो नहीं सका। मसलन ये जो अब इकदाम किए सिंध हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि कोई सूबाई हुकूमत जो है वो मरकज़ी और वफाकी हुकूमत के बग़ैर इकदाम नहीं करेगी। सिंध का कहना यह है कि हमने ये सारा कुछ एतमाद में लेके वफाक को किया, लेकिन वफाक की तरफ से एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो गई और फिर सिंध ने भी जवाब दिया। इससे पहले जब वफाक की तरफ से कुछ इकदाम होते थे दूसरे सूबों में, तो सिंध की तरफ से तनकीद होती थी और सिंध की तरफ से ऐसे लगता था कि उसका कोई वफाक से ताल्लुक नहीं है। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, और इससे सिर्फ ये है कि हुकूमत और जमहूरियत कमज़ोर नहीं होती, रियासत भी कमज़ोर होती है। इत्तेफाक से नईर बुखारी साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर रहनुमा हैं और सेनेट के चेयरमैन भी रहे। हम उनसे पूछेंगे कि ये माजी में भी कोई ऐसा तजर्बा है कि एक दफ़ा हुआ था जब नवाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की वफाक में हुकूमत थी, लेकिन किसी ने उसको पसंद नहीं किया था। तो अब वही सूरत हाल पीपल्स पार्टी नहीं पैदा कर रही जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने उनके लिए पैदा की थी, कि जो वफाक इकदाम करता है वो मुराद अली शाह साहब उसकी मुखालफत करते हैं, जो मुराद अली शाह साहब या सूबा करता है वफाक उसकी मुखालफत करता है। जी शाह साहब जी, शुक्रिया। गुजारिश है कि जो 88 ऑनवर्ड एक्सपीरियंसेस हुए दोनों गवर्नमेंट्स को, जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी या पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, और फिर दोनों की क़यादत ने यह महसूस किया कि 2006 में कि ये प्रीवियस जो कंडक्ट रहा एक दूसरे के साथ, ये रियासत के इंटरेस्ट में भी नहीं और जमहूरियत के इंटरेस्ट में नहीं, इसीलिए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया गया था, और उसके बहुत सारे पॉइंट्स थे उसमें जिस पर एग्रीमेंट भी था। और अब जो पिछले 3 साल से मरकज़ ने तो वर्किंग रिलेशन ही नहीं इस्टेब्लिश किए प्रोविंस के साथ, पर्टिकुलरली सिंध प्रोविंस के साथ, और जहाँ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात थी वहाँ पे ये 18th अमेंडमेंट को रोल बैक करने की बात करते रहे, और बड़े अरसे के बाद जो 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड था कि 10 साल में अटॉर्नी प्रोविंशियल अटॉर्नी जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन 10 साल पूरे नहीं कर सका, और 77 में कू हो गया और फिर 10 साल मार्शल आ रहा, और उसके बाद फिर वो जो प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोविंशियल अटॉर्नी उन पर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर ये 18th अमेंडमेंट के ज़रिए हुआ। और हम समझते हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि जहाँ कई अपोजिशन की कोई जमात अगर प्रोविंस में बैठी है तो वर्किंग रिलेशन डेवलप करें। बदकिस्मती की बात यह है कि ना सिर्फ प्रोविंस के साथ वफाक वर्किंग रिलेशन डेवलप कर रहा है, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर भी ट्रेजरी बेंचेस ने कभी कोशिश नहीं की कि अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन रखे जाए, ना नेशनल असेंबली में ना सैनेट में। हमने भी हुकूमत की और
लेजिस्लेशन के हवाले से भी मैं आपको कह सकता हूँ, जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बिल पार्लियामेंट में लेके आती थी तो बिल्कुल अपोजिशन को और अपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता था और कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती थी। लेकिन यहाँ लीडर ऑफ हाउस जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को हाथ मिलाने को तैयार नहीं, सलाम दुआ करने को तैयार। बुखारी साहब, उनका पार्लियामेंट में एक तो आते कोई नहीं, अगर आए। बुखारी साहब, एक सवाल ये उठाया जाता है, आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया है कि 18वीं तरमीम के बाद जो खुद मुख्तारी सूबों को मिली उससे अवाम को सम्राट कितने मुंतकिल हुए, ये एक सवाल बार बार उठाया जाता है और फवाद चौधरी साहब अक्सर यही सवाल करते हैं। आज उन्होंने कहा कि आप अपने घरेबा में झांकें, कराची और सिंध, कराची और हैदराबाद वैक्सीनेशन में भी सबसे पीछे हैं। जी फवाद चौधरी साहब का करेक्टर, आप उनका करैक्टर आपके सामने है, वो सियासी मुसाफर हैं, कहाँ कहाँ घूमते रहे, पीपल्स पार्टी के किन के चरणों में बैठते रहे, मैं उनकी बात नहीं, जवाब नहीं देना चाहता। मैं सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सबसे बड़ी बात जो थी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो का जो अवार्ड था वो बड़ा ज़रूरी था और उसमें स्मॉलर प्रोविंसेस को जो ग्रीवेंसेस थे वो दूर किए गए और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मौसर बात थी कॉन्स्टिट्यूशन में कि जी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड जो है वो उसमें कमी नहीं की जा सकती, सूबों के शेयर्स की रिड्यूस नहीं किया जा सकता, उसमें इंक्रीज तो हो सकता है लेकिन उससे बेनिफिट का स्मॉलर प्रोविंसेस को हुआ। और बेसिकली जो स्मॉलर प्रोविंसेस को ग्रीवेंस था वो जो जो फंड्स था, जो डिविजिबल पूल से जो पैसे मिलने थे वो नहीं इनको सबका दौर में मिलते थे। और जब से ये फाइनेंस कमीशन का अवार्ड जब आया पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में तो किसी हद तक प्रोविंसेस बड़े मुतमिन हैं, ठीक है, उनको इस मुल्क की इकोनॉमी में और जो रेवेन्यूज कलेक्शन है, जो डिविजिबल पूल है, उनमें से उनको प्रॉपर शेयर मिल रहा है। बुखारी साहब, गुजारिश ये है कि ये सिर्फ फवाद चौधरी का जो ठीक है, जो भी आप आपकी राय होगी, ये विफाक का हमेशा गिरा रहा है। अब ख़ासतौर पर दो पॉइंट्स हैं, वो कहते हैं जी जितने हम वसायल देते हैं वो खर्च नहीं होते प्रॉपरली, एक बात। दूसरा, जितनी वैक्सीन हमने दी उसमें सिंध को जो हिस्सा मिला वो वैक्सीनेशन उस अंदाज में हो नहीं सकी जिस तरह पंजाब में हो रही है, केपीके में हो रही है या मरकज़ में हो रही है, तो ये तो एक डिफ़ॉल्ट नज़र आता है ना। देखिए, जितना प्रॉपरली प्रिवेंटिव मेजर सिंध गवर्नमेंट ने लिए उतने किसी और ने नहीं लिए और जो रेशो है वहाँ पे कवर्ड के मरीजों का इंक्रीज करने में वो बड़ी महदूद रही शुरू में और फिर वो लॉकडाउन का अमल जो करते रहे शुरू में। ये गवर्नमेंट तो इसको ये कोविड को तो ऐसी कोई वबा ही नहीं समझते थे, ये तो उसको फ्लू समझ रहे थे। प्राइम मिनिस्टर के अपने बयान आप निकाल के देख लें तो वो तो कॉग्निजेंट ही नहीं थे कि ये कोविड की जो पेंडेमिक है इसकी क्या हैसियत है, इनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और इंटरनेशनल फोरम्स बार बार कह रहा था, मैं समझता हूँ कि अभी भी जो मेजर्स दिए जा रहे हैं इसकी जानब से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानब से, वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, वो आवाम के वफाद में है। आवाम जिंदा रहेगी तो कारोबार भी करेगी और वो रोजगार भी उनको मिलेगा। बुखारी साहब, अगर आपके अस्पतालों में जगह ही ना रहे। जी बुखारी साहब, जी फरमाए, आप तो यानी मुराद अली शाह साहब के बयान और फवाद चौधरी साहब के बयान से लगता है कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई में एक महाजारे की कैफियत है, लेकिन मरियम नवाज साहबा ये कहती हैं और मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि आप एक फ्रेंडली अपोजिशन हैं, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हुकूमत के वजह से, हुकूमत के वोटों की वजह से बना और बाकी मामलात में भी आप हमेशा फ्रेंडली, तो ये फिर इसके बावजूद और इसी वजह से पीडीएम भी टूटा, फिर भी आपको गिला है हुकूमत से। देखिए, बात यह है कि ये इशू बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है, पिछले कुछ चार महीने पहले से हम मार्च ऑनवर्ड से इसको डिस्कस करते रहे, इस पर हमारा मौका बड़ा वाजे आता रहा है। मैं ये पीडीएम से पूछता हूँ कि पीडीएम के जो अलायंस बना कश्मीर के इलेक्शन में जेयूआई का और पीटीआई का, वो आपके सामने है। सेनेट के इलेक्शन में जो कोलेबोरेशन हुई एन की और पीटीआई की पंजाब में, वो आपके सामने है। तो अब इट्स अ गॉन केस नाउ,
अब मैं समझता हूँ कि इसको अब मार्च के बाद अभी फिर इस पर बात करना, मैं तो उसको कोई अहमियत नहीं देता। हकीकी अपोजिशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम आज भी समझते हैं कि आज भी जो हमारा मौकफ था 20 सितंबर का कि आए नो कॉन्फिडेंस मूव करें और जो सूरत हाल पीटीआई की अंदरूनी सूरत हाल है उससे बेनिफिट लें। आप पंजाब की गवर्नमेंट भी गिरा सकते हैं, आप मरकज की गवर्नमेंट भी गिरा सकते हैं। बिलावल साहब, बिलावल साहब, बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि वो चाहती हैं कि ये गवर्नमेंट 5 साल पूरे करे। मौलाना साहब के बयान भी आपके सामने हैं कि मौलाना साहब सिंध में भी पीटीआई के साथ अलायंस बना रहे हैं इलेक्शन का। तो फिर ये तो हुकूमत को अपोज ही नहीं करते, हम तो हुकूमत को हर जगह अपोज करते हैं, नेशनल असेंबली में भी, सेनेट में भी। जहां तक उनका रहा कि सेनेट लीडर अपोजिशन का, बात यह कि हमारी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी और हमें इंडिपेंडेंस ने वोट दिए हैं, ट्रेजरी बेंचेस के लोगों ने वोट तो नहीं दिए हमें। बुखारी साहब, बिलावल साहब ये कहते हैं, बिलावल साहब ये कहते हैं कि हम मुस्लिम लीग के उस धड़े से बात करेंगे जिसको रिप्रेजेंट करते हैं शहबाज शरीफ साहब, और हमारा मरियम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप पीपल्स पार्टी अब ये समझने लगी है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं और वो अपोजिशन के रास्ते में या अपोजिशन के इत्तेहाद के रास्ते में रुकावट हैं, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन के इत्तेहाद चाहते हैं? नहीं, ये इसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट ना लें आप। जो चेयरमैन बिलावल का बयान है वो है कि जी पार्लियामान में लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं और पार्लियामान के अंदर जितने भी हम मामलात होंगे उनके साथ बिल्कुल, जब उनको तावन हमारा दरकार होगा अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम बिल्कुल देने को तैयार होंगे। लेकिन हमारा ये कभी मौकफ नहीं है कि जी वो नून लीग होगी या शीन लीग होगी, वो उनका अंदरूनी मामला है, उनका अपना मामला है। तो चेयरमैन साहब का बयान है जी, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया पार्लियामान के अंदर। लेकिन सवाल ये, पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ के बयानियों को बोमांगे दोहल सपोर्ट क्यों कर रही है? ब्रेकअप, ब्रेक के बाद इस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई जो सिंध को फोकस कर रही है, कैसे कदम जमा सकती है, ये कितना स्कोप है पीटीआई के लिए सिंध में, इस पर भी ब्रेक के बाद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। एक अहम पेशरफ्त हुई है, सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इरशाद साहब, पहले उन्होंने जो वजारत इत्तलात थी उससे इस्तीफ़ा दिया, अब इससे भी दे दिया, बुनियादी तौर पे क्या रीज़न है? कारकर्दगी भी उनसे जो रिपोर्ट्स आ रही थी वो ठीक है, तो अचानक ही इस्तीफ़ा? ये मेरा ख्याल ये है, अभी बाजवा साहब से मेरी बात तो नहीं हुई, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ने जो खालिद मंसूर साहब को लगाया है और वो एक लिहाज से स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर लगा के इनके ऊपर थे, या कोई ऐसी उनको अथॉरिटी दी गई जिसको ज़ाहिर है आसिम बाजवा जैसा आदमी पसंद नहीं कर सकता था, तो उनके लिए मेरे ख्याल यही रास्ता था कि वो बाइज़ा तरीके से मुस्ताफ़ी हो जाएं। खालिद मंसूर साहब आप जानते हैं कि प्राइवेट शोबे से हैं, एंग्रो से उनका ताल्लुक़ रहा है, ला रैब एक इदारा है, तो उनको जब ला के सी पैक के मामलात उनके सुपुर्द भी किए गए, तो एक ऐसा शख्स जिसने आज़ादी से काम करने की जिसको आदत हो और एक बड़ा पोर्टफोलियो छोड़ के आया हो, तो उसके बाद मेरा ख्याल है इन दोनों का एक साथ चलना मुश्किल था। तो अभी तक मैं एक तजिया दे रहा हूँ या मैं एक स्पेकुलेशन दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई बज़ाहिर वजह नज़र नहीं आती, और मेरे ख्याल खालिद मंसूर की वजह से उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन अपने ट्वीट में तो उन्होंने कहा है कि चूँकि मैंने एक काम कर दिया है, अथॉरिटी का बिल जो है वो मंजूर हो चुका है कैबिनेट से और असम्बली से भी, और एक इदारा बन गया है वो आगे पेशरफ्त कर रहा है, तो मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। लेकिन खालिद मंसूर साहब के साथ उनका चलना मुश्किल था। शाह साहब, आसिम सलीम बाजवा साहब अब फिर से कहीं लाइमलाइट में नज़र आएंगे या कुछ अरसे के लिए एक खामोशी होगी? ये तो जब मेरा ख्याल है उनसे बात हो जाएगी तो मैं कुछ कह सकूंगा, लेकिन जाहिर बात है कि वो अभी तक जो हैं वो लाइमलाइट में रहे हैं और बासलाहियत आदमी हैं, तो उनके लिए और कोई रास्ता शायद खुल जाए और वो किसी और अंदाज में हमें नज़र आए कहीं ना कहीं। फ़िलहाल तो बहरहाल वो घर चले गए हैं,
उसके बाद वो ख़ुद डिसाइड करेंगे या हुकूमत डिसाइड करेगी या जो लोग उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ है वो डिसाइड करेंगे कि उनका मुस्तकबिल का किरदार क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ सिंध से मुतालिक बात करेंगे और इससे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में भी हमने बात की थी कि अब एक स्ट्रेटेजी जो पीटीआई की नज़र आ रही है वो कश्मीर के बाद सिंध को फोकस करना है। पिछले दिनों एक और अहम पेशरफ्त हुई जो साबिक वज़ीर-ए-आला सिंध के थे अरबाब गुलाम रहीम साहब, उनको लगाया गया बतौर मुआविन खसूसी, वो सिंध के उमूर देखेंगे। इरशाद साहब, सरदस्त कितना एक्सपोयर है पीटीआई के पास या कितने मौाक़े हैं कि जो पीपल्स पार्टी की बिलखसूस देही सिंध में रिवायती सियासत है उसको तोड़ सकें और अरबाब गुलाम रहीम जैसी शख्सियत उसमें कुछ कारामत साबित हों, कोई वो कारकर्दगी दिखा सकें। देखें जनाब, अरबाब गुलाम रहीम साहब एक बासलाहियत आदमी हैं और माजी में वो सिंध की सियासत में बड़ा उनका मुतहर्रिक और फाल किरदार रहा है, लेकिन ये जब वजारत आला से हटे और 2008 के इलेक्शन हुए उसके बाद ये बहुत पीछे चले गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी इनको सख्त नापसंद करती थी और इनको दूसरा जाम सादिक अली कहा जाता था, जिन्होंने अच्छी खासी सिंध में पीपल्स पार्टी की तोड़ फोड़ की थी और 5 साल बड़े दबदबे से हुकूमत की थी, तो इसलिए कुछ पीछे चले गए। लेकिन अंदरून सिंध प्रॉब्लम ये बन गया है कि अभी तक ना तो पीटीआई वहाँ कोई पेशरफ्त कर सकी है, जीडीए का इत्तेहाद बना, बहुत सारे लोगों को तवक्कुआत थी कि जी ये सारे मिलके जो जमाते हैं सिंध की मिलके पीटीआई के साथ कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू करेंगी, वो भी नहीं कर सके। इससे पहले मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों का भी यही हाल रहा है, पीपल्स पार्टी 1970 के इलेक्शन के बाद से मुसलसल, सिर्फ दरमियानी वक्फा ये है जब छतरी थी ज़ियाउल हक की मिली हुई थी तो गौस अली शाह साहब और मुजफ्फर हुसैन शाह और फिर बाद में छतरी, अच्छा, जब शरफ की मिली तो ये होता रहा जी जी। लेकिन जब भी इलेक्शंस हुए और जमहूरियत बहाल हुई तो पीपल्स पार्टी आजाद। अरबाब गुलाम रहीम साहब से मेरे ख्याल पूछें कि अब उनको जो टास्क मिला है और वो आगे आए हैं तो उनके क्या इरादे हैं और पीटीआई क्या चाहती है और क्या सिंध में स्कोप क्या है किसी। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इरशाद साहब, अरबाब गुलाम रहीम साहब के सामने ये सवाल रखेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया अरबाब साहब आपके वक्त का। ये इरशाद साहब ने जो सवाल पुट किया है, आपकी सूरत में पीटीआई कितनी मुस्तकम हो सकती है, कितनी मजबूत हो सकती है सिंध में और मौाक़े क्या हैं पीटीआई के पास कि वो सिंध में आ सकते हैं? देखें जी, एक तो वो पूछ रहे थे कि आपके इरादे क्या हैं। इरादे इंशाल्लाह पहले भी नेक थे, अब भी नेक हैं और खान साहब के इरादे भी नेक हैं, तो उनका हम साथ देने के लिए। मैं सीधी बात आपको बताऊं कि मैं क्यों शामिल हुआ हूं। मैं शामिल हुआ हूं पीटीआई में, खान साहब के साथ 3 साल गुजर गए हैं। आप पीटीआई के किसी भी बीमार खान साहब पूछ लें, मुझे कई दफ़ा वो कहते, 3-4 दफ़ा तो कम अज़ कम दुबई से लेके लाहौर से लेके छाछरों से लेके वो 3-4 दफ़ा कह चुके थे मैं नहीं ज्वाइन कर रहा था। मुझे एक तो पार्टी नहीं थी, खान साहब के बारे में भी हमें कोई ज़्यादा सियासी तजर्बा नहीं था तो हम नहीं ज्वाइन कर रहे थे। हम जीडीए में पीएपी साहब पगाड़ों के साथ बैठे हुए थे, जो हमारा एक इतिहाद था जिसमें इलेक्टेबल्स और जो सिंध के लोग माइनस पीपल्स पार्टी मैटर करते थे वो सारे उसमें थे, तो अब मैं नहीं आ रहा था। मगर अभी जो खान साहब का नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, मैं तो अफगानिस्तान के मसले पे जिस तरह खान साहब ने स्टैंड लिया, इंडिया के मसले पे लिया या मुस्लिम उम्मा के हवाले से जैसे आपके तुर्की और मलेशिया और इनको वो सारों को इकट्ठा किया, सऊदी से नाराज़गी हुई उसके बावजूद दोबारा सऊदी को उन्होंने विन ओवर कर लिया, तो इस तरह से खान साहब के जो हमारे नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल पे बड़े अच्छे काम हैं, मईशत को ठीक करना, करप्शन नहीं है और इस तरह की। मगर खान साहब को एक तो सिंध में तो हमारे यहाँ थोड़ा सा टीम और लोग और इस तरह से था सिलसिला, खान साहब ने मुझे इनवाइट किया और मैं काफ़ी दोनों से इस बात पे तजब में था कि एक अच्छा लीडर, अच्छा इंसान एक बड़ी मुश्किल से मुल्क को मिला है। बाकी तो हमारे आजमाए हुए थे तो उनका एक अल्लाह वास्ते हम उनका साथ दें, उनको कामयाब करें, सपोर्ट करें और इस तरह के लोग मुल्कों में कभी कभार आते हैं तो इसी नीयत से मैं गया हूँ
और उसमें जो मैं अपना रोल प्ले कर सकूंगा सिंध में, पाकिस्तान में और अपनी जाती हैसियत में, सियासी हैसियत में, और उसमें ज्वाइन करने के सवा कोई चारा था नहीं। और पीर साहब को नाराज करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अरबाब साहब के ज्वाइन करने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जरा यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला के मौजूदा हुकूमत है उससे मुतालिक आपके ख्यालात क्या रहे, और अब वही सवाल बुनियादी कि कैसे आप मदद कर सकते हैं पीटीआई की कि वो सिंध में आए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अरबाब गुलाम रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब साहब, आपसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन अभी आप जो खान साहब की शख्सियत और मौजूदा हुकूमत से मुतालिक फरमा रहे थे, इसी दौरानिया में इन 3 सालों के दौरान इरशाद साहब, अब तो खैर अरबाब साहब जो हैं वो काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, ये फैज़ान नज़र है, मकतब की करामत है, यह नज़रिया ज़रूरत है। देखें पीपल्स पार्ट तहरीक इंसाफ सिंध में एक डायनेमिक शख्सियत की ज़रूरत है, और अरबाब रहीम साहब जो हैं बहरहाल एक डायनेमिक शख्सियत तो हैं। अब अरबाब रहीम साहब क्या कर दिखाते हैं ये देखना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि इलेक्शन के हवाले से तो आपने कहा कि आप टिकट देते हैं तो पीछे भी खड़े, अब इमरान खान साहब इनके पीछे खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे ये अरबाब रहीम साहब बता सकते हैं। देखें जी, ये मैंने बाय इलेक्शन जो उमरकोट का था उसके बाद मैंने ये कहा था, एक धरना था उसमें, और ख़ान साहब को यही मैसेज पहुंचाने के लिए मैंने कहा था, और अल्लाह की मेहरबानी से उस वक्त भी धड़ल्ले से मैंने कहा था, अब भी सामने भी कहता हूँ पीछे से भी कहता हूँ, और मैं खुशामदियों में से नहीं हूँ, मगर ये उस वक्त मैंने कहा था इसलिए कि ख़ान साहब सुने। मैं उस वक्त, मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। उस वक्त इलेक्शन के दूसरे दिन सिंध गवर्नमेंट की जो गाड़ियां, मोबाइल हैं, लोगों के घरों पे चली गई, हमलावर हो गई जिन्होंने हमारे वोट दिया, करके एक दो जगह पे लड़ाई भी हो गई, बंदे टेररिस्ट कोर्ट के केसेस दाखिल किए उन्होंने लोग, और वो थे कौन, पीर साहब पगाड़ों के मुरीद जिनके साथ वो कर रहे थे, उन्होंने मुझे वोट दिया था, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए खान साहब को मैं ये एक किस्म की दुहाइयाँ दे रहा था कि भाई हमारी बात सुने, कुछ करें। फेडरल गवर्नमेंट भी कोई चीज़ होती है, ये कोई 18वीं तरमीम के बाद कोई मादर पदर आज़ाद नहीं छोड़ दिया इनको कि जो मर्जी करते रहे। तो खान साहब को मैंने कहा, मैंने कोई गाली गलोच नहीं की है, कोई बुरा नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि खान, अच्छा ये मैंने, खान साहब ने मुझे तो खुद नहीं करके इलेक्शन में खड़ा किया था, मगर एक GDA के हवाले से, कोलिशन गवर्नमेंट के हवाले से, PTI के हवाले से, यहाँ गवर्नर हाउस, गवर्नर साहब, ये वो दूसरे लोग भी थे, तो मैं उस हवाले से उनको मैसेज दे रहा था कि अपने लोगों को जो है ना ऑन करें और लुक आफ्टर करें। नहीं, अल्लाह के अरबाब साहब आप बिल्कुल दुरुस्त थे, अरबाब साहब आप बिल्कुल दुरुस्त थे। मेरा सवाल ये है कि अब खान साहब आपके पीछे खड़े होंगे जब आप काम करेंगे, अब भी तो हुकूमत उन्हीं की है, वही लोग हैं, तो अब खान साहब आपका साथ देंगे? देखें जी, उस वक्त तो मैं GDA में था और उस वक्त तो मैं सियासी बात कर रहा था। इस वक्त खान साहब के साथ मैं वॉलंटियरली खुद अपने आप से गया हूँ, और इस जज्बे के तहत के खान साहब आलम इस्लाम के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, बाकी यहाँ देखें ना यार, ये हमारे मुल्क में मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप कभी एक पेज पर नहीं रहे हैं। खान साहब कम अज़ कम पूरे मुल्क के हवाले से कट्ठे तो लोगों को चला रहा है ना, तो मैं उस जज्बे से गया हूँ खान साहब को मदद करने के लिए। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरा कोई और अजायम नहीं है, और पॉलिटिकली अपने मेरे हलके में पहले भी हम मजबूत थे, अब इंशाल्लाह ज्यादा मजबूत होंगे, और मुझे और कोई मसला नहीं था। अरबाब साहब इस वक्त सिंध में PTI जो है, अरबाब साहब सिंध में PTI के अंदर इख्तलाफात हैं, कराची की तंजीम जो है वो आपस के इख्तलाफात का, जिसकी वजह से फिरदौस शमीम लकवी को इस्तीफ़ा देना पड़ा, फिर हलीम आदिल शेख से इख्तलाफात है, तो वो तो आपस में लड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे वहाँ?
यार कोई ऐसी बात होगी ना खान साहब के जहन में जो मुझे लाए हैं और यही ठीक करने के लिए। एक बात बताऊं, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हमारे भाई हैं वो कोई इस इख्तलाफ की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब थोड़े से जज्बाती हैं, यहां देखें आप जब गवर्नमेंट में या पार्टी में होते हैं तो हर चीज फिर मीडिया पे नहीं कहते, जो उस वक्त मैं कह रहा था शायद अब मैं नहीं कहूंगा, तो चीजें फिर आपस में मिलके, उस वक्त तो मैं मीडिया के थ्रू मैसेज दे रहा था खान साहब को, अब मैं रूबरू मिलके दूंगा, तो कुछ चीजें होती है कभी कभी मीडिया के थ्रू मैसेज देना पड़ता है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कुछ ऐसी चीजें जो मीडिया पे खड़े होकर कह दी थी, शायद इस वजह से अटे के अटे मेरे से पहले की बात है और इस चीज को मुझे नहीं पता। अब इंशाल्लाह मैं सबको साथ लेके चलूंगा, चाहे वो शहरी हमारे भाई हैं या जो रूरल के भाई हैं, उनको कोशिश करूंगा। और मेरा एक अपना तजुर्बा है 3.5 साल का एज ए चीफ मिनिस्टर, एज ए मिनिस्टर भी मैंने किया हुआ है, फेडरल मिनिस्टर भी किया है, ठीक है यार। मेरी सियासी जिंदगी ठीक है अरबाब साहब, अरबाब साहब आपका तजुर्बा है, अभी तजुर्बा पीडीआई के कितने काम आएगा ये बहुत बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अरबाब गुलाम रहीम साहब, मुआविन खुसर आजम बराए उमूर सिंध हमारे साथ मौजूद थे। शाह साहब हमें लगता है कि उस वक्त हकीकी बात करते थे जब ये मुआविन खसूसी नहीं थे, अब ये सियासी बात कर रहे हैं। बुनियादी सवाल इरशाद साहब, जो बयानिए का मामला है नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट करके इंडोर्स भी कर दिया और मरियम नवाज एक जानशीन के तौर पे नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेके अभी तक सामने आती रही हैं, अब भी कायम हैं, शहबाज शरीफ अपनी एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, क्या आप समझा जाए कि नून लीग में जो जानशीनी की जंग है वो हतमी मराहल में जा चुकी है? हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो नज़र आता है वो ये है कि मरियम नवाज़ साहबा का पलड़ा भारी है। कल आपने देखा कि अय्याज़ सादिक साहब जो थे वो गुफ्तगू कर रहे थे और वो कह रहे थे कि दोनों बयाने एक साथ चलने चाहिए, बात उनकी बड़ी माकूल थी। लेकिन उसी वक्त थोड़ी देर के बाद मैंने शायद खाकान अब्बासी साहब को देखा तो वो जो बात कर रहे थे वो बिल्कुल अगेंस्ट मियाँ शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और वो बता रहे थे कि 18 के इलेक्शन में नाकामी जो थी वो किसी स्ट्रेटजी की नाकामी नहीं थी बल्कि उसकी वजूहात कुछ और थी, वो हमें हरवाया गया, और वो डिनाई कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज साहब के साहबा के साथ जो लोग खड़े हैं वो भी खुल के सामने आ रहे हैं। अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं अभी वो मलफूफ बात कर रहे हैं, लेकिन वो भी खुल कर सामने आ रहे हैं, मलफूफ बात भी वो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं कि वो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की शिकस्त है, सियालकोट की शिकस्त है या 18 की शिकस्त है, वो इसका सबब यही करार देते हैं कि हमारा जो मुज़ाहमती बयानिया है उसका नतीजा यही निकलने थे। तो ये इख्तलाफ अब खुल कर सामने आ रहा है और आएगा। अब देखना यह है कि क्या शहबाज शरीफ साहब स्टैंड लेते हैं, जो इलेक्टेबल्स हैं जो समझते हैं कि मरियम साहबा, दो किस्म की फीलिंग्स हैं मुस्लिम लीग नून के, एक तो वो सीनियर लीडरशिप है जो समझती है कि एक बच्ची को ला के हम पर बिठा दिया गया है, ना हमारी खिदमात का कोई एतराफ़ किया गया है, ना हमारी उम्र का लिहाज किया गया है, ना हमारे तजर्बे को मद्देनज़र रखा गया है। दूसरा जो लोग हैं वो ये हैं जो इलेक्टेबल्स हैं वो ये कहते हैं कि इस बयानी के साथ हम अपोजिशन में मुस्तकिल जगह तो बना सकते हैं, इस बयानी के साथ हम पीपल्स पार्टी के मुकाबले में अवाम में शायद ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे, लेकिन इस बयानी के साथ हम हुकूमत में नहीं आ सकते, इकतदार में नहीं आ सकते। एक पार्टी जो मुल्कगीर पार्टी थी वो मुल्कगीर पार्टी की अहलियत सलाहियत से हम महरूम हो रहे हैं। ये देखें ये आप बयानिया आप जो एनालिसिस दे रहे हैं जो सारा ये जो है ये तो इसमें कोई शक नहीं कि जो सीनियर क़यादत है, कल अय्याज़ सादिक साहब भी हमारे साथ थे, वो इंडोर्स करते नज़र आ रहे हैं ज़्यादातर लोग जो शहबाज शरीफ साहब की लाइन है, लेकिन एट द एंड ये जमात है इसकी लीडरशिप भी ट्रांसफ़र होनी है। अब वो नुक्ता आ चुका है, वो मकाम आ चुका है कि जहाँ नून लीग के कारकुन को ये चॉइस करनी पड़ेगी कि हु इज़ नेक्स्ट, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या हमज़ा शहबाज। अब वो मकाम क्या आ चुका है और ये जो अगर डिफरेंस भी सामने आ रहा है तो उस मकाम के आने की वजह से आ रहा है, ये सिर्फ सियासी बात है और आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि ये बात हमने करनी है? अंडरस्टैंडिंग तो मुझे नज़र नहीं आती, लेकिन देखना यह है कि क्या जनाब शहबाज शरीफ साहब या कोई दूसरा सीनियर लीडर इस काबिल है
कि वो खुल कर मरियम नवाज साहिबा के सामने खड़ा हो सके। ऐसी सूरत में जबकि नवाज शरीफ साहब का जो आज का ट्वीट है, उन्होंने मरियम नवाज़ को इंडोर्स किया है और अमलन शहबाज शरीफ साहब के उस इंटरव्यू की तरदीद की है या उस इंटरव्यू को कहा है कि वो उनकी सोच हो सकती है, पार्टी की सोच या मियां नवाज शरीफ साहब की सोच नहीं है। उन्होंने अमलन जो खाकान अब्बासी कल बात कर रहे थे, अमलन उसको इंडोर्स किया है और अमलन ये कहा है कि आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हम इसलिए नहीं हारे कि हमारा नैरेटिव नाकिस था या हमने वहाँ गलत बातें की, इसलिए कि हमें हरा दिया गया। वो ना जो अपनी शिकस्त को शिकस्त मानने के लिए तैयार हैं, ना अपने बयानिए का नतीजा मानने के लिए तैयार हैं। तो अब ये देखना ये है कि शहबाज शरीफ साहब कितना खुलकर सामने आते हैं, क्या वो अपना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है। इरशाद साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। निसार जैसे कद काठ वाले लोग मरियम साहिबा के सामने अगर नहीं खड़े हो सके तो उनके अलावा कौन सीनियर लीडर खड़ा हो सकता है? आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इरशाद साहब शुक्रिया आपका, इजाज़त दीजिए।